लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ये झटका कांग्रेस को बीजेपी ने दिया है, जहां महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री तक पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, वहीं अब सिंहभूम से पार्टी सांसद और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी आज बीजेपी में शामिल हो गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी व पश्चिमी सिंहभूम जिले की सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गीता कोड़ा ने लगे हाथों बीजेपी का दामन भी थाम लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन से खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बीजेपी का इस प्लान के पीछे खास मकसद है। गीता कोड़ा के बीजेपी ज्वाइन करते ही मधु और गीता कोड़ा दोनों ट्रेंड करने लगे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि कोड़ा दंपति कौन है और इनका झारखंड की राजनीति में क्या रोल रहा है। मधु कोड़ा ने बतौर ठेका मजदूरी भी की, फिर मजदूर यूनियन के नेता भी बने। कोड़ा के पिता रसिक एक खान में मजदूर थे, अपनी एक एकड़ जमीन पर वो खेती करते थे। खबरों के मुताबिक उनका सपना था कि उनका बेटा पुलिस में भर्ती हो और एक सम्मानजनक नौकरी करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोड़ा ने राजनीति का रुख किया और ऐसा किया कि महज 3 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2006 में बाबूलाल मरांडी की सरकार अस्पताल में आने के बाद कांग्रेस की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से मधु कोड़ा झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने। इसके पहले वो बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 के मोदी लहर में चुनाव जीत लक्ष्मण गिलुवा पहली बार सांसद बने थे। उन्होंने 2014 में जय भारत समानता पार्टी से प्रत्याशी गीता कोड़ा को हराया था। 2014 में मोदी लहर के बावजूद गिलुवा को मात्र 26% वोट मिले थे। महागठबंधन का वोट शेयर मिला दें तो ये 30% है। 2014 में जय भारत समानता पार्टी बनाकर गीता कोड़ा ने 18% वोट हासिल किए थे। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा का जन्म 26 सितंबर 1983 में मेघहातुबुरु नाम के जिले में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है। मधु कोड़ा से शादी करने के बाद वो काफ़ी समय तक एक गृहिणी बनकर ही रही। 2009 में जब मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा, तब गीता कोड़ा ने राजनीति में कदम रखा। इस सीट से उनके पति मधु कोड़ा 2 बार पहले भी जीत हासिल कर चुके थे। सिंहभूम में 6 विधानसभा सीटें हैं, सभी महागठबंधन के कब्जे में हैं। सिंहभूम लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं। चाईबासा विधानसभा सीट पर झामुमो के दीपक बिड़ुआ, सरायकेला विधानसभा सीट पर मझगांव विधानसभा सीट पर झामुमो के नियल पूर्ति, मनोहरपुर विधानसभा सीट पर झामुमो की जोबा मांझी, चक्रधरपुर विधानसभा सीट पर झामुमो के शशिभूषण सामत और जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर गीता कोड़ा का कब्जा था। गीता कोड़ा के बीजेपी में आने के बाद अब इस क्षेत्र में 2024 के चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं, इस पर सभी की निगाहें होंगी।